नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पटना में चलाया गया विशेष बस ड्राइव। मोटर वाहन अधिनियम एक बार फिर से पटना की सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां पर राज्य भर में विशेष बस ड्राइव चलाया गया। इस दौरान व्यवसायिक, निजी और सभी बसों की जांच पड़ताल की गई, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 बसों के परिचालन को रोक दिया गया। वहीं 98 बसों से करीब 8,82,000 की राशि ली गई। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना की सड़कों पर बसों का परिचालन मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हो, इसीलिए पटना में न्यू मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत बसों के लिए विशेष बस ड्राइव चलाया गया है। कोयला वाले चूल्हे पर लगाई गई रोक। बिहार समेत कई राज्यों में हवा में फैल रहे हानिकारक कण को देखते हुए अब बिहार में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में स्ट्रीट वेंडर्स के कोयला वाले चूल्हे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। शहर में सड़क के किनारे फुटपाथ की दुकानों में कोयले वाले चूल्हे से बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, जो कि हवा में फैल जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब सभी कोयला वाले चूल्हे पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही साथ सरकार का यह कदम गैस चूल्हे को बढ़ावा देने के लिए भी अहम माना जा रहा है। बीएसएससी ने निकाले विभिन्न पदों पर रिक्तियां। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उर्दू अनुवादक के लिए 202 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से उर्दू में स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार बिहार में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, वह बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ आवेदन भर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर है। कई संस्थान अब करने लगे हैं सोलर प्लेट का इस्तेमाल। पटना के मगध महिला कॉलेज की छत के ऊपर करीब 300 की संख्या में सोलर प्लेट लगाए गए हैं। इन सोलर प्लेटों में मगध महिला कॉलेज पिछले कुछ महीने से लगातार बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पश्चात मगध महिला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है, जहां पर इमारतें सोलर एनर्जी प्लेट से रोशन हो रही है। इसके अलावा जेडी वुमेन्स कॉलेज, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल समेत और भी कई संस्थान है, जहां सोलर प्लेट के जरिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल के अनुसार कॉलेज का बिल हर महीने करीब 1,75,000 हुआ करता था, मगर अब सोलर प्लेट से बिजली की आपूर्ति करने के बाद कॉलेज का बिल 70,000 से 75,000 ही आता है। विस्कोमान के बाद अब पप्पू यादव लोगों को बांटेंगे 35 रुपए किलो प्याज। जा प्रमुख पप्पू यादव एक बार फिर से बिहार के लोगों का मसीहा बनकर उतरे हैं, मगर इस बार कोई राहत वितरण काम करने के लिए नहीं, मगर लोगों के बीच चल रहे एक बड़ी समस्या का निदान लेकर जनता के बीच में आए हैं। इन दिनों बिहार के सभी लोग प्याज की बढ़ती कीमत से बहुत ज्यादा ही परेशान है। विस्कोमान ने जैसे ही सस्ते दर पर प्याज वितरण के फैसले को वापस लिया है, वैसे ही पप्पू यादव लोगों की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। अब आज से पप्पू यादव शादी वाले घरों में 35 रुपए किलो प्याज पहुंचाने का काम करेंगे। इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा एसएससी के सीएचएसएल ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया। एसएससी इसी सप्ताह से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जारी करेगा। खबरों के अनुसार एसएससी सीएचएसएल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी 1 जनवरी 2020 तक भर सकते हैं। मगर हम परीक्षा के आयोजन की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल 2019 की परीक्षाएं कर्मचारी चयन आयोग 16 से 27 मार्च 2020 तक स्टेज 1 की परीक्षा आयोजित करेगा। इसी भर्ती के लिए आवेदकों को 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। पटना के गांधी मैदान में शुरू हुआ बिहार ग्राम सरस मेला। जीविका की ओर से ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान के लिए ग्राम सरस मेला का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, मेला 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गांधी मैदान में लगा रहेगा। मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अरविंद कुमार चौधरी ने किया। आपको बता दें, इस आयोजित मेले का थीम स्वावलंबी महिला विकसित बिहार है। आयोजित इस मेले में बिहार व अन्य जिलों के साथ 22 अन्य प्रदेशों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। वहीं इस मेले में हस्तशिल्प सामग्री और घरेलू सामग्री सबके आकर्षण का केंद्र होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की हो रही हैं तैयारियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि 3 दिसंबर को ऐतिहासिक जल जीवन हरियाली यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिसके शुभारंभ से पहले उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के विभिन्न अव्यय को लेकर स्थल का जायजा लिया। साथ ही साथ जिला स्तर पर कितने काम हो रहे हैं इसकी जानकारी भी समीक्षा बैठक के दौरान वह अधिकारियों से लेंगे। ज्ञात हो, जल जीवन हरियाली का शुभारंभ करने के लिए नीतीश कुमार के आगमन की तैयारी बेतिया के सभी अधिकारी जोर शोर से कर रहे हैं। लालू यादव को मिलने पहुंची उनकी बेटी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य मिलने पहुंची। रोहिणी के अलावा लालू यादव से मिलने राजद विधायक सुरेंद्र यादव भी पहुंचे। लालू से मुलाकात के बाद विधायक सुरेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम की तबीयत खराब है, इस वजह से ही लालू यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर से उनसे मिलने आई थी। हम लोग न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि लालू यादव की उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें थोड़ी रियायत दी जाए।
राजगीर के शांति स्तूप में आप देख सकते हैं बहुत कुछ खास। राजगीर में आपको कई सारे जगह घूमने के मिल जाएंगे, जिनमें से एक है शांति स्तूप। शांति स्तूप जो कि गृद्ध घाट पर्वत पर बना है, जिसका निर्माण जापान के बुद्ध संघ ने कराया है। कहा जाता है कि भगवान महात्मा बुद्ध ने गृद्ध कूट पर्वत पर बैठकर लोगों को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। इस स्तूप का व्यास 103 फुट और ऊंचाई 120 फुट है। स्तूप के चारों कोणों पर बुद्ध की चार प्रतिमाएं स्थापित है। इस स्तूप तक जाने के लिए रज्जु मार्ग भी बनाया गया है, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए इस शहर ने प्याज को ही बना दिया देवता। यह वाक्या मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां पर प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए प्याज को ही देवता बनाकर पूजा अर्चना करने पर मजबूर हो गए हैं। नजारा कुछ ऐसा दिखा जहां स्थानीय लोगों ने प्याज पर फूल और माला अर्पित करना और धूप अगरबत्ती दिखाकर इसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में प्याज की कीमत लगभग 80 से 90 रुपए किलो है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता की दुनिया की एक और शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है प्रसून वाजपेयी। प्रसून वाजपेयी का पूरा नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी है। प्रसून वाजपेयी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 18 मार्च 1964 को हुआ था। प्रसून वाजपेयी एक एंकर, पत्रकार और एडिटर है। प्रसून वाजपेयी इस वक्त आज तक चैनल से जुड़े हुए हैं, जहां वो दस्तक नाम के शो को होस्ट करते हैं। प्रसून वाजपेयी को उनके निडर होकर पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बौद्ध सर्किट में अब चीनी भाषा में लगाए जाएंगे साइन बोर्ड। चीनी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट में अब चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाने का फैसला किया गया है। खबरों के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सभी प्रमुख स्थलों पर विदेशी भाषाओं में साइंस लगाने का लक्ष्य साल 2020 तक पूरा करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रालय लगभग 20 मिलियन विदेशी पर्यटकों को लुभाने की योजना बना रहा है। आपको बता दें, भारत में हर साल लगभग 3.5 लाख चीनी पर्यटक विश्व स्तर पर यात्रा करने आते हैं। डेहरी सासाराम रेलखंड पर 120 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेन। देश के सबसे व्यस्तम ग्रेड कार्ड रेलखंड माने जाने वाले मुगल सराय सासाराम डेहरी गया रूट पर 19 जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों की गति बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत इस रूट पर चलने वाली सभी 19 ट्रेनों के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने का निर्णय लिया गया है। मुगल सराय मंडल के रेल प्रबंधक पंकज सक्सेना का कहना है कि हमारी कोशिश है कि उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग किया जाए, साथ ही साथ लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। ऑनलाइन दाखिला खारिज प्रक्रिया एक बार फिर हुई शुरू। एक बार फिर से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन दाखिला खारिज की होड़ शुरू हो चुकी है। बीते कई दिनों से वेबसाइट में गड़बड़ी होने के कारण ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसके पश्चात राजस्व भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन दाखिला खारिज व लगाम जमा करने वाली वेबसाइट में सुधार कर दिया है। राज्य में अब तक 22.43 लाख मामले दाखिल खारिज हो गए हैं। इनमें से अब तक मात्र 12.75 लाख आवेदनों का निपटारा हो पाया। बाकी बचे दाखिल खारिज के मामले को विभाग जल्द से जल्द ठीक कर लेगी। रवि शास्त्री के ट्रोलर्स पर विराट कोहली ने तोड़ी अपनी चुप्पी। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री आए दिन ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं, जिस पर अब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कोहली ने कहा है कि रवि शास्त्री को ट्रोल करना बस लोगों का एक मामूली एजेंडा है। रवि शास्त्री खुद ऐसी चीजों से सबसे कम प्रभावित होते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा क्यों और किस लिए करता है, लेकिन इस तरह के झूठ को स्वीकार करना एजेंडे से प्रभावित है। अलग थलग पड़े रघुवंश प्रसाद। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद के बयान से राजद ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। दरअसल हाल ही में रघुवंश प्रसाद ने राजद और जदयू के विलय की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आगामी चुनाव में राजद और जदयू एक बार फिर से एक साथ मैदान में खड़े नजर आ सकते हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन अभी भी एकजुट है। वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने रघुवंश प्रसाद की टिप्पणी पर तंज कसते हुए यह कहा है कि उनसे ऐसे हल्के बयान की उम्मीद हमें नहीं थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टिकर अब व्हाट्सएप पर भी देखने को मिलेंगे। सब टीवी का फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, मगर अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टिकर्स आपको व्हाट्सएप पर भी देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप ने अपने फीचर्स में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टिकर्स को ऑन करने का फैसला लोगों के बीच में इस शो की लोकप्रियता को देखते हुए लिया है, जिसके तहत अब जल्द ही आपके फोन की स्क्रीन पर दयाबेन और जेठालाल जैसे किरदारों के डायलॉग वाले स्टिकर्स दिखने लगेंगे। पटना के स्ट्रीट वेंडर्स को अब मिलेगा फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हा। पटना में सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी। सरकार ने सभी स्ट्रीट वेंडरों को कोयले के चूल्हे से छुटकारा दिलवाने के लिए फ्री में चूल्हा एवं गैस कनेक्शन दिलवाने का निर्देश दिया है। इस बाबत सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को फ्री में गैस और चूल्हा दिलवाने का आयोजन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया था। ज्ञात हो सरकार का यह फैसला कोयले के चूल्हे से निकल रहे धुएं के कारण उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के मद्देनजर लिया है। राष्ट्रीय सब जूनियर वुशु चैंपियन में बिहार का रहा बोलबाला। कोलकाता में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप में बिहार का बोलबाला रहा। आपको बता दें, इस चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 8 पदक जीते हैं। सारण के राजा कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, तो वहीं रूटीन स्पर्धा में मुजफ्फरपुर की अपराजिता मिश्रा ने 2 रजत
पदक मुजफ्फरपुर के पुलकित चुरीवाल ने कांस्य, वहीं भागलपुर की जया कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर अपने परिवार समेत बिहार का नाम रोशन किया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,300 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,300 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,650 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.78 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.29 रुपए प्रति लीटर था। श्वेता तिवारी अपने नए वेब सीरीज में आई बोल्ड अवतार में नजर। कसौटी जिंदगी से फेमस हुई श्वेता तिवारी अब एकता कपूर के नए वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। इस वेब सीरीज का नाम है हम तुम और देम। श्वेता तिवारी की इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें श्वेता काफी ज्यादा बोल्ड अवतार में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की हो रही है तैयारी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। ऐसे में जदयू ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पे ही लड़ेगी। आपको बता दें, उक्त बातें विधानसभा चुनाव को लेकर की गई समीक्षा बैठक के दौरान तय की गई है। साथ ही साथ इस बैठक में पार्टी अपना जनाधार कैसे बढ़ाए, इस बात पर भी चर्चा की गई है। 30 एकड़ में फैले शाहजंगी तालाब को पर्यटन केंद्र बनाने की राह देख रहा है भागलपुर। फिलहाल देश भर में जल की समस्या से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में 450 साल पुराना शाहजंगी तालाब भागलपुर और आसपास के इलाकों में जल स्तर को बनाए रखने के लिए संजीवनी की तरह काम कर रहा है। इसी बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने चुनावी रैली में कहा था कि भागलपुर के शाहजंगी तालाब को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके पश्चात स्थानीय लोगों की उम्मीद जागी थी कि अब इस तालाब का कायाकल्प होगा, मगर सरकार के बाकी चुनावी वादों की तरह भी महज एक खोखले वादे की तरह ही दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त में हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी देखने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आपके राय में क्या अहम कदम उठाए जाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।